नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नगर सैनिक भर्ती विज्ञापन 2215 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। देखिए, नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय छत्तीसगढ़ सेक्टर 19 अटल नगर नवा रायपुर, इसके लिए 2215 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। देखिए, जिलावार पदों का विवरण आपको नीचे पूरी जानकारी मिलने वाली है। 1/7/2024 की स्थिति में यह विज्ञापन जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ नगर सेना के स्वयंसेवी नगर सैनिकों के रिक्त पदों की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक के अनुसार। देखिए, छत्तीसगढ़ नगर सेना की वेबसाइट, इस वेबसाइट पर दिनांक 10/7/2024 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए, इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित जिले के मूल निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ नगर सेना की वेबसाइट पर। अब देखिए, आप जिस जिला के कैंडिडेट हैं उसी जिला में आप जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जैसे आप मुंगेली जिला से हैं तो केवल आप मुंगेली जिले में अप्लाई कर पाएंगे, आप बिलासपुर जिले के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब आप अदर जिला में आवेदन फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो आवेदन कब से प्रारंभ होगा इस वेबसाइट पर, 10/7/2024 से। देखिए, पूरी भर्ती की जानकारी इस प्रकार से, वर्तमान भर्ती हेतु प्राधिकार तो 500 स्वयंसेवी नगर सैनिकों के रिक्त पदों हेतु छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के पत्र क्रमांक के अनुसार महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति हेतु 1715 महिला नगर सैनिकों के रिक्त पदों हेतु। मतलब 500 स्वयंसेवी है, ठीक है, और 1715 महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो पुरुष 500 और महिला 1715। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 10/7/2024। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10/8/2024। त्रुटि सुधार हेतु 17/8/2024। परीक्षा शुल्क तो इस प्रकार से देख सकते हैं, अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये। रिक्त पदों का विवरण देखिए, 500 स्वयंसेवी नगर सैनिकों के पद जनरल ड्यूटी हेतु, इन पदों में महिलाओं के लिए शासन के निर्देशानुसार 30% हॉरिजॉन्टल आरक्षण रहेगा। उस देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, 500 स्वयंसेवी नगर सैनिक के पद जनरल ड्यूटी महिला, ठीक है, तो इसमें महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तथा देखिए, 1715 महिला नगर सैनिकों के पद, महिलाएं एवं बालिकाओं के सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति हेतु है। ठीक है, तो ये क्या, आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति के लिए है। ठीक है, तो रिक्त पदों की संख्या वर्ग और इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो 500 नगर सैनिकों के लिए आरक्षण देखिए, रायपुर, ठीक है, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, ठीक है, इसमें कितने कितने पोस्ट इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। उसका देखिए, इन सभी जिला में तो मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, अंबिकापुर, कोरिया, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 500 वैकेंसी हो गए। अब देखिए, 1715 के लिए महिलाएं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजनाओं के तहत इस प्रकार से, तो देख लीजिए जिले का नाम, जिले के अनुसार वर्गवार, कौन से जिले में आप निवास करते हैं और आपके जिले में कितना पोस्ट है, इस प्रकार से आप देख लीजिए। आराम से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें बैकलॉग के पोस्ट भी है और नया पोस्ट मिला करके, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। तो टोटल कुल 1715 है। ठीक है, उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए लिए जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के अनुसार रहेगा। सीधी भर्ती के लिए पात्रता एवं शर्त देखिए, उम्मीदवार को संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए। इसके लिए सक्षम अधिकारी का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना उम्मीदवार के लिए आवश्यक होगा। उम्मीदवार का छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला रोजगार कार्यालय से जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। उम्मीदवार का आचरण पूर्ववत अच्छा होना चाहिए। उसके देखिए, वेतनमान की बात की जाए तो वेतन देखिए, वेतनमान की अगर बात की जाए तो यह नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे। नियमित शासकीय सेवक की परिधि में नहीं आने से इन्हें नियमित वेतनमान की पात्रता नहीं होगी। तो यह नियमित पोस्ट नहीं है बोल रहा है, ठीक है, नियमित शासकीय सेवक नहीं है, ठीक है, नियमित शासकीय सेवक नहीं है। नियमित शासकीय सेवक की परिधि में नहीं आने के कारण इन्हें नियमित वेतनमान की पात्रता नहीं होगी। इन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मानदेय व अन्य भत्ते ही प्राप्त होंगे। आयु
सीमा की बात की जाए तो किसी भी वर्ग के उम्मीदवार की आयु भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के दिनांक अर्थात 1 जुलाई 2024 को 19 वर्ष से कम और 40 वर्ष अधिक नहीं होने चाहिए। आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों व उनके परिवार के सदस्यों की नगर सैनिक के पद पर नियुक्ति हेतु समस्त वर्ग के अधिकारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक अर्थ सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5वीं पास होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं तो शैक्षणिक अर्हता में छूट दिया गया है। कौन किन्हें किन्हें छूट मिल रहा है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। शारीरिक अर्हता की बात की जाए तो देखिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक सामान्य वर्ग अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 163 सेंटीमीटर या उससे अधिक राजस्व जिले दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा नारायणपुर बीजापुर बस्तर उत्तर कांकेर कोरिया सरगुजा जसपुर अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला एवं पुरुष वर्ग के लिए 158 सेंटीमीटर ठीक है। उसके देखिए सीना बिना फुला 81 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए 76 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 और अनुसूचित जनजाति के लिए 81 इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो महिलाओं के लिए इसमें छूट दी जाती है सीना फुलाने वाले में। अभ्यर्थी में ना नाक नी फ्लैट फुट ना हो, वह शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। यह अर्हता सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी। सभी अभ्यर्थियों की चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आँखों के लिए ठीक है इतना दृष्टि होना चाहिए। दौड़ की बात की जाए तो 100 मीटर दौड़ कुल 25 अंक रहेगा। 800 मीटर दौड़ में 50 अंक ठीक है। उसके बाद देखिए महिलाओं के लिए है 800 मीटर दौड़ 25 अंक, लंबी कूद 25 अंक, ऊंची कूद और लंबी कूद ऊंची कूद ये महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए केवल 800 मीटर दौड़ होगा कुल 100 अंक और पुरुषों के लिए देखिए कुल 100 अंक ठीक है। लिखित परीक्षा भी होगी। शारीरिक प्रवीरता टेस्ट भी निर्धारित न्यूनतम अंक या उससे अधिक अंक पाने वाले तो देखिए उपरोक्त सभी आइटमों हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए 100 में से 50% तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ण पिछड़े वर्ग 40% अंक। तो अगर आप जो सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं सामान्य के अंतर्गत आते हैं तो आपको 50% इस फिजिकल में लाना होगा। उसके बाद आपको लिखित परीक्षा में चयन होगा। उसके बाद इसमें देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी एसटी को 40% अंक लाने होंगे। शारीरिक प्रवीरता टेस्ट में निर्धारित न्यूनतम अंक या उससे अधिक अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा अर्थात लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी, समय अधिक 2 घंटे की। इसमें सामान्य ज्ञान बुद्धि क्षमता विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इस परीक्षा में भी अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 50% एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ण पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है ठीक है। जिसने विद्यालय महाविद्यालय कम से कम 5 संभाग कम से कम संभाग स्तरीय विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता मिले तो उसको बोनस अंक दिया जाएगा इस प्रकार से ठीक है। तो इन सभी में इनको एनसीसी ड्राइविंग लाइसेंस हैवी वाहन इस पर 5 अंक, नाई धोबी कुक मोची दर्जी अगर ये कौशल प्रशिक्षण है तो 5 अंक बोनस, उम्मीदवार जो मान्यता प्राप्त संस्था से हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति का प्रमाण पत्र रखते हो उनको बोनस। तो देखिए 6 प्रकार के टाइप देख रहे हैं। यदि इनमें से आपके पास कोई भी प्रमाण पत्र है तो आपको जो है 5-5 अंक, यदि सभी बोनस सभी प्रकार के क्वालिटी आप में है तो आपको देखिए कितने बोनस अंक मिल सकते हैं। तो अधिकतम 2 या 2 से अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को तो कुल मिलाकर के 20 अंक बोनस दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। चाहे अगर आपको 6 में से 6 प्रकार की अगर क्वालिटी आप में है तो भी आपको 20 अंक से ज़्यादा बोनस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद चयन सूची जारी किया जाएगा ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करने के लिए देखिए दस्तावेज की सूची, तो ये सभी डॉक्यूमेंट लगेगा। शिक्षा समिति प्रमाण पत्र संबंधित जिले का मूल निवासी, जाति रोजगार कर जीवित पंजीयन, दोनों पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, आत्मसमर्पित नक्सली नक्सल पीड़ित हेतु छूट के आवश्यकता है तो जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र, बोनस अंक हेतु ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न किए जाएंगे। तो आवेदन जो है ऑनलाइन उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर जगदलपुर संभागीय मुख्यालयों में की जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व निर्देशों की सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हो विज्ञापित पदों की कुल संख्या का 25% वर्ग और प्रतीक्षा सूची तैयार
किए जाएगी। तो आप जो है फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार और जो है ये सभी जानकारी स्वयं पढ़ लेंगे। यह पीडीएफ आपको सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है इसे एक बार स्वयं निरीक्षण कर लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करेंगे। यदि आपको लगता है कि यह जो हमारे लिए उचित है तो आपके अनुसार जो है अपने अनुसार आप जो है फॉर्म फिलअप करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।